हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो अबाउट ऑन जॉब ट्रेनिंग्स फ्रॉम अब्रॉड या फिर अब्रॉड इंटर्नशिप्स। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या फ़ायदा रहेगा इसका, क्या नुकसान रहेगा, कितना आपको इसका एक्सपेंस आ जाएगा, कौन कौन सी तरीके की इंटर्नशिप्स आपको मिल सकती हैं, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्या इसका कोई फ़ायदा है अब्रॉड से इंटर्नशिप करने का, साथ ही साथ कहाँ से आप इसको कर सकते हैं, और एट दी एंड अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि क्या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, अभी रीसेंट पास आउट है, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ऑन जॉब ट्रेनिंग आखिर होता क्या है। ऑन जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप बोला जाता है बेसिकली ट्रेनिंग जो आपकी होती है होटल के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो अपना होटल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उसके दौरान आपका इंटर्नशिप आता है या ऑन जॉब ट्रेनिंग आती है, उसे इंडिया से ही कर लेते हैं। बट रिसेंट ईयर में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला है ऑफ डूइंग ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें आपको जो ट्रेनिंग आपने इंडिया से करनी थी वो ही ट्रेनिंग आपको अब्रॉड से करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नाउ इस इंटर्नशिप, जो भी आप इंटर्नशिप करेंगे, इसके फायदे या नुकसान क्या रहने वाले हैं ये थोड़ा सा देर में आपको पता चलेंगे। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां से आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एक प्रोग्राम आपका है US के लिए, जो कि 1 year इंटर्नशिप का होता है, वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रांस की इंटर्नशिप बहुत ज्यादा रहती है, आपका दुबई के लिए मिल जाती है, मॉरिशस के लिए मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कंट्रीज हैं जहां पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा। इसी से आता है कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं इंटर्नशिप के लिए, क्या हम ड्यूरिंग द कोर्स जा सकते हैं या आफ्टर कोर्स ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कुछ सर्टेन पीरियड की इंटर्नशिप्स होती हैं, जैसे कि 4 महीना या 6 महीना, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑफकोर्स उसके लिए कुछ लिमिटेड कंट्रीज होंगे, लाइक आपको फ्रांस में मिल सकती है, आपको मॉरिशस में मिल सकती है, इन जगह आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपका कोर्स खत्म हो चुका है तो उसके बाद आप 1 year इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो कि आपको US में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको दुबई में भी ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मोस्टली कंट्रीज में क्या होता है, अगर आप इंटर्नशिप वहां से कर रहे हैं आफ्टर योर कोर्स, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का वहीं पे ऑप्शन मिल सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार हमें कुछ वहां पे खर्चा पानी मिलेगा, बिकॉज इंडिया में जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो उसमें तो हमें 2,000 rupees, 1,500 rupees पर मंथ मिलता है, तो क्या उतना ही खर्चा हमको मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे होंगे। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री का अपना स्टाइपेंड का ब्रैकेट होता है, सैलरी नहीं मिलेगा, मिलेगा स्टाइपेंड। बट यस, ऐसे 2,000-3,000 नहीं मिलने वाला, उससे काफी बेहतर मिलेगा। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा पॉइंट आएगा कि यार एक्सपेंस कितना रहने वाला है, कितना खर्चा हमारा आ जाएगा। तो हर कंट्री में अलग एक्सपेंस हो सकता है। US का आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वहां अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइक अगर मेरी आप वीडियो देखो, मैंने एक US इंटर्नशिप पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि लगभग आपको $10 to $20 के बीच में इजीली मिल जाता है, वो भी पर आर के हिसाब से। इसी तरीके से अलग अलग जगह में आपको अलग अलग तरीके से अर्निंग मिलेगी, उसी तरीके से आपका जो एक्सपेंस रहेगा उस हिसाब से रहेगा। इनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ हर एक के लिए। जैसे US अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना रहेगा, फ्रांस जाना चाहते हो उसके लिए कितना रहेगा, दुबई जाना चाहते हो उसके लिए कितना रहेगा, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है इस वीडियो को, ताकि मैं आगे इन चीज़ों के लिए वीडियो बना पाऊँ। बट एक्सपेंस मान के चलिए इतना आएगा कि उससे ज़्यादा आप रिटर्न वापस लेके आओगे अपने साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह में जहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी उसके बाद मिल सकती है, तो आपका करियर ही बन जाएगा। इसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि क्या फायदा है या क्या नुकसान है अगर हम अब्रॉड से इंटर्नशिप कर रहे हैं, और किनको करनी चाहिए किनको नहीं करनी चाहिए। सो यार, अगर मैं अब्रॉड इंटर्नशिप के फायदे की बात करूं तो फायदों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं अगर आप अब्रॉड से इंटर्नशिप कर रहे हैं। सबसे पहला फायदा है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो बहुत ही हाई लेवल की पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी, जो शायद आप ड्यूरिंग द कोर्स इंडिया में कर पाए हैं उससे 10x ज्यादा आपको अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, वो भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो भी नॉलेज है, सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे आप जब इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो आपको लॉन्ग ड्यूटी आवर्स का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर ऐसा नहीं होता है, बाहर आपके लिमिटेड आवर्स की ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं US की बात करूँ तो वहां पे आपको पे ही आवरली बेसिस पे किया जाता है, ताकि आपके जो भी वीकली पर आर होते हैं उसके हिसाब से, मान लीजिए 40 आवर्स या 45 आवर्स होते हैं, तो उससे ऊपर आप काम ना करो, और उससे अगर आप ऊपर काम करेंगे तो आपको उसका ओवरटाइम मिलेगा। वहीं आप इंडिया में देख लो, आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में ऑलरेडी कुछ नहीं कमा रहे होते हो, ऊपर से आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर रहे होते हो। तो अगर आप हार्डवर्क से बचना चाहते हैं, आप स्मार्टली चलना चाहते हैं और अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, तो उसके लिए अब्रॉड इंटर्नशिप बहुत बढ़िया रह सकता है। एक और जो अब्रॉड इंटर्नशिप का आपको फायदा मिलेगा वो ये है कि इंडिया में आपको काम करने की जरूरत
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहीं जहाँ से भी अब्रॉड इंटर्नशिप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ दुबई से करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद ही उनको जॉब ऑफर हो जाती है और उनका करियर वहीं से शुरू हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रांस में भी, तो आपको काफ़ी सारी जगह ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी जहाँ पे आप फ्रांस में इंटर्नशिप करने के बाद आपको वहीं पे वर्क परमिट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपको इंडिया में काम ही नहीं करना पड़ेगा और आप सीधे अब्रॉड से अपना करियर शुरू करोगे। नाउ नुकसान क्या है अब्रॉड इंटर्नशिप करने से? आई डोंट थिंक सो एनी ऐसा सच कोई नुकसान है। हाँ, थोड़ा बहुत ये रहेगा कि आप अगर एक बार चले गए तो आपको वापस तभी आना पड़ेगा जब आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे। उससे पहले अगर आप आते हो तो फिर आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक प्रॉब्लम रहता है जो कि आप नो इंडिया में अगर आप इंटर्नशिप पे हैं, 6 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आप कभी भी वापस अपने घर आ सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं छुट्टी लेके, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो वो पॉसिबल शायद ना हो पाए। दूसरा एक डिमेरिट, नुकसान तो नहीं बोलेंगे बट एक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए इशू आ सकता है, वो ये है कि यहाँ पे एक्सपेंस लगेगा, ठीक है ना। और वो एक्सपेंस लगता है आपका वीज़ा फीस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की, मेडिकल वीज़ा फीस, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसका एक्सपेंस लगता है, तो वो एक्सपेंस आपको पे करना पड़ता है। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बस का नहीं होता है, तो फिर वो लोग ऑब्वियसली अब्रॉड इंटर्नशिप उनके लिए मुश्किल रहेगा। बट अदरवाइज एज सच कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं आप उसे ईजिली रिटर्न तो कर ही जाओगे। और इसी से आता है मेरा पर्सनल ओपिनियन कि क्या आपको अब्रॉड इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए या फिर आपको इंडिया से इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको अब्रॉड इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए। वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, आपका जो पर्सनैलिटी लेवल इंक्रीज होगा, जो आपका कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, वो बहुत बेहतर होंगी। इवन ड्यूरिंग कोर्स अगर आप जा रहे हैं, और अगर कोर्स के बाद जा रहे हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वहीं पे आपको शायद वर्क परमिट मिल जाए, फॉर एग्जांपल लाइक इन दुबई, लाइक इन फ्रांस, वहां पे आपको वहीं से आगे कंटिन्यू करने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर आप इवन मतलब आपको लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत अफोर्ड करूंगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो भी आपको अगर आप कर सकते हैं उस पूरे पैसे को अरेंज, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए अगर आप आफ्टर द कोर्स जा रहे हैं तो। यस, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए ये प्रोग्राम्स थोड़े से महंगे पड़ेंगे और शायद आपको रिटर्न का रिस्क बना रहे। ऑल्दो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप मान लीजिए US जाते हैं, US आप अगर एक सर्टेन अमाउंट को लेके जा रहे हैं, मान लीजिए 4 लाख 5 लाख के आसपास आपके लग गए हैं, तो उसके बाद आप उससे 2x 3x तो आराम से रिटर्न कर लोगे। वहीं फ्रांस भी अगर आप जाते हैं, आप दुबई OJT पे भी जाते हैं, तो आप इजीली ब्रेक इवन कर जाते हो, उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, और इवन ये भी होगा कि आपका आपको वहीं जॉब ऑफर हो जाए। बट स्टिल अगर आपको पैसे का इशू है, अगर आपको लग रहा है कि यार भाई मेरी बस का नहीं है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए, आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद वो फिर आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस स्टेप को नो इंडिया में जॉब करने वाले स्टेप को आगे बढ़ना चाहते हो, उससे आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया देखना चाहते हो, एक नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो फिर तो आपको अब्रॉड इंटर्नशिप डेफिनेटली जाना चाहिए। हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत मतलब मुझे नहीं लगता वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थी भी, बिकॉज ये सब चीज़ें धीरे धीरे अब जब सोशल मीडिया आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही है, तो लोगों को पता चल रही है। पहले के टाइम पे लोगों को नहीं पता होती थी, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो अब्रॉड लाइक दैट। हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ा, उसके बाद जाना पड़ा, इतना टाइम हमने काटा इंडिया में, उसके बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। बट आपको आज की डेट में ये सब अपॉर्चुनिटी ईजिली मिल जा रही हैं, तो आप अगर अपने कोर्स के बाद ही जाना चाहते हैं या ड्यूरिंग द कोर्स भी जाना चाहते हैं, तो वो ईजिली हो जाता है, सक्सेस रेट भी बहुत अच्छे हैं। इसी से आपके दिमाग में एक और डाउट आएगा कि यार कहाँ से करें, आप बता तो दिया कि ऑन जॉब इंटर्नशिप करनी है या ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको अब्रॉड से करनी है, आप करें कहाँ से? तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिख जाएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज वैकेंसीज अभी बहुत सारी हैं, फ्रांस, US के लिए, दुबई के लिए, इन सब जगह के लिए, मॉरिशस वगैरह वगैरह, बहुत सारी जगह के लिए अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। अगर आप इस सेकेंड ईयर में हैं, आपकी इंटर्नशिप आने वाली है, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, साथ ही साथ फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाली हैं, वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय। दूर हो गए, बाय।